गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू लेसन दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेटल किस फॉर्म में अकर करते हैं, नॉन मेटल किस फॉर्म में क्रस्ट में हमें मिलते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मेटल्स की, तो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और रेयरली ही कुछ मेटल्स हैं जो आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। वैसे तो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं वो आपको आपके कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, किसी ना किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ आपको जुड़े हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की अकरेंस। मेटल्स जो है वो आपको कंबाइंड फॉर्म और नेटिव स्टेट, नेटिव मतलब अकेले, किसी और के साथ ना, अकेले मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। वो किस किस के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, कार्बोनेट के साथ, सिलिकेट्स के साथ जुड़े हुए मिल सकते हैं। वो ऑक्साइड्स बना के रखते हैं, सल्फाइड्स बना के रखते हैं, कार्बोनेट्स बना के रखते हैं और सिलिकेट्स की फॉर्म में आपको अर्थक्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेटिव स्टेट की, नेटिव का मतलब होता है खुला, मतलब किसी के साथ नहीं, अकेला, सिर्फ उसके साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं होता। तो अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है और ये हमेशा आपको फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स से जब मिलते हैं, उनकी अलग प्रॉपर्टीज है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, ठीक है। एक होता है हमारे पास, एक और नए वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज मेटलॉइड। मींस मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अलग, नॉन मेटल्स की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है। बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है, ठीक है। जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उन एलिमेंट्स को हमने क्या बोला, मेटलॉइड, ठीक है। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच पजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स, फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फ्यू ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हम कुछ नए टर्म्स हैं, दो चार उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास मिनरल। मिनरल क्या होते हैं, देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। मिनरल क्या है, मेटल्स विद इम्प्योरिटीज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जब हम अर्थ क्रस्ट को नीचे से खोदकर मेटल्स को निकालते हैं, उनके अंदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं और उनके अंदर मेटल भी प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स, ठीक है। क्या कहते हैं उनको, मिनरल्स। बट एक नई टर्म, एक और टर्म है ओर्स। देखिए ओर भी हमारे पास मिनरल के जैसा है, बट एक डिफरेंस है। देखिए समझ लीजिए, बहुत सारे एरिया में आप जगह जगह पर खोदोगे और वहां से आपको मेटल्स मिलेंगे, बट एक तो हम इनपुट ज्यादा करें, मैं उसमें ज्यादा अमाउंट लगाऊं और उसको खोदने के बाद जो मेरे पास आउटपुट मिले वो मुझे कम मिले। मतलब अगर मैं इनकम की बात करूं, मैंने उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए खोदने में, उसको प्योर करने में, और मुझे मिला क्या, आउटपुट में मुझे पैसे क्या मिले, कम मिले, इट मीन्स वहां तो वो मेरे लिए क्या नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक। बट कई जगह ऐसी होंगी जिसमें मैं इनपुट तो करूँ कम और मुझे फायदा बहुत सारा हो। तो उसी से रिलेटेड है हमारे पास एक टर्म ओर। और क्या है, उन मिनरल्स को हम और कहते हैं जिनके अंदर से हम मेटल्स को निकालें वो इकोनॉमिकली और हमारे लिए प्रॉफिटेबली, मतलब हमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, मतलब प्रोसेस तो वही चलेगा अगर हमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो हमने कौन सी दो टर्म्स की बात करी है, मिनरल और ओर की। मिनरल्स होते हैं जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में हमें मेटल्स मिलते हैं इम्प्योरिटीज के साथ, बट ओर्स क्या होते हैं, ओर्स उन मिनरल्स को कहते हैं जिनके अंदर से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप डायग्राम के थ्रू बताती हूँ आपको, समझिए ये हमारे पास मिनरल है, ये क्या है, मिनरल है, मिनरल इतने सारे हैं, बट इन मिनरल्स में से कुछ ही क्या कहलाती है, और कहलाती है, क्या कहलाती है, और मतलब ये जो एरिया था, ये बड़ा वाला एरिया, ये दिखाता है कि मुझे इतनी जगह पर मेटल्स मिल सकते हैं, बट मैं प्रॉफिटेबली किसमें से निकाल सकती हूँ, कुछ ही एरियाज में से निकाल सकती हूँ। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो और होते हैं वो मिनरल होंगे, बट सारे के सारे मिनरल और नहीं होंगे। ये आपको समझ आना चाहिए कि मिनरल्स जो होते हैं उसके अंदर सारे और आते हैं, बट सारे और हैं वो मिनरल की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब हमने अभी बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो किसी ना किसी दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऑक्सीजन के साथ, सल्फाइड के साथ, कार्बोनेट, सिलिकेट, देन मेनी मोर। तो ये कहता है जब हम अर्थ क्रस्ट में से निकालते हैं तो हमें अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग कोर्स मिलती है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ फ्यू मेटल्स की कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की बहुत सारी और है, एक बॉक्साइट होती है, एक क्रायोलाइट होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी, कुछ मैंने मेन मुझे लगी वो मैंने ले ली है, एल्यूमिनियम की बॉक्साइट, क्रायोलाइट। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर ग्लैंड और क्यूप्रोलाइट। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक ग्लैंड एंड कैलेमाइट, ठीक है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायरेट, ठीक। लेड की बात करूं तो गैलेनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इप्सम सॉल्ट, इनमें से इप्सम सॉल्ट आपको जैसे हमारे पास मिलता है, ठीक है, इन सारे फॉर्म्स में हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इनको हम क्या कहते हैं, ओर्स। मतलब ये क्या है, इनके अंदर आयरन मिलेगा आपको, इनके अंदर इम्प्योरिटीज है वो कुछ अलग अलग होगी, इसलिए हमने उस सब्सटेंस को एक नाम दे दिया। इसमें से हमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, मतलब इम्प्योरिटीज हमारे पास प्रेजेंट होगी, इसलिए हमने उनको अलग अलग नाम दिया, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि किस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में हमें मिलती है। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, अगर मैं उसकी फिजिकल स्टेट की बात करूं कि वो मुझे कैसे किस फॉर्म में मिलते हैं, तो मेटल्स बेसिकली आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर, जैसे मर्करी है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो मेटल्स आपको बेसिकली किस फॉर्म में मिलते हैं, वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आपको लिक्विड स्टेट में मिल सकते हैं, सॉलिड स्टेट में मिल सकते हैं और गैसीय स्टेट में भी मिल सकते हैं। थ्री फिजिकल जो फॉर्म्स हैं उनमें आपको नॉन मेटल्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा ये किस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और इनकी फिजिकल स्टेट्स